हमारे मिनी सेटअप की भैया आजकल जो है वो परचेजिंग चल रही है हमारी भाई, दो दो न्यू एंट्रीज हुई हैं, दो दो ठीक है। एक और ये तो नेस्टिंग कर रही है, तो भाई अच्छा मैं एक और चीज़ बताता हूँ, जब नेस्टिंग फीमेल्स करती हैं तो भाई ये कंडीशन होती है, उसने इस मेल को भी लेके जाना है, इसको पकड़ लेते अंदर के अंडे मंडे तो नहीं दिए हुए। ओए अरे हाय 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 हाय, तो भाई इसने एक अंडा दिया हुआ है अंदर। सो हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर ब्रांड न्यू व्लॉग। तो भाई लोग आप लोगों को मेरे सामने पीछे अड्डा दिख रहा होगा भाई, अगेन हम लोग जो है वो न्याजी अड्डा में खड़े हैं। और भाई सीन ये है कि अभी जो है भैया सीम ने कार्गो मंगवाई है, एक हम लोगों ने भाई लाइन हेड ड्वार्फ की फीमेल जो है वो मंगवाई है इस्लामाबाद से। और भाई साहब ये गाड़ी अभी अभी पहुँची है, और देखते हैं भाई अभी हसीब गया है जाके, देखते हैं भाई पता नहीं अब उन्होंने डिग्गी में रखी हुई है या पता नहीं उन लोगों ने कहाँ रखी हुई है, देखते हैं भाई। इधर तो कुछ भी नहीं है भाई, अभी अभी ही हम लोग पहुंचे हैं, बस हसीब वहाँ सामने चला गया तो भाई साहब डिग्गी में भाई ने रखा हुआ था, पैसे दिए भाई तो इन्होंने ऊपर नहीं रखवाई थी, ऊपर ही मगर भेजी नीचे पीछे भेजी लगाओ, उधर वही है जो पीस आया था, हम लोगों ने रिसीव कर ली है भाई ने द्वार भैया सीवी ने मंगवाई थी। तो भैया है कि अभी इसको घर जाके ओपन करते हैं, बाकी के भी लोग तो भाई हम लोग कल स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, कल आप लोगों को सेटअप पर ले गएंगे कि भाई हम लोगों ने मंगवाया क्या है, बड़ी प्यारी फीमेल है। और भाई सेबल कलर ने आप लोगों को हॉलैंड लुक तो दिखाया था, खैर अभी जो है सेबल कलर में आप लोगों को लाइन है द्वार की फीमेल दिखाते हैं। तो भाई साहब सुबह जो है वो हमारी हो चुकी है, और भाई नेक्स्ट डे जो है वो आ गया, रात को हम लोग फीमेल लेके आए थे, सही है रात को हम लोग फीमेल लेके आए थे भाई, हमारी न्यू वाली फीमेल जो हमारे मिनी सेटअप की भैया आजकल जो है वो परचेजिंग चल रही है हमारी भाई, दो दो न्यू एंट्रीज हुई हैं, दो दो ठीक है। एक न्यू एंट्री है भाई हमारे पास यहाँ पर लाइन हेड की फीमेल, लाइन हेड ड्वार्फ की। तो ये बॉक्स ऐसे क्यों रखा हुआ है यहाँ पे, ये वाला इसको उधर मोड़ो ना इधर, तो और कौन से ये दोनों फीमेल लड़ रही थी, इनकी पार्टीशन भी बंद कर, इनकी पार्टीशन भी बंद करते हैं, सही है। और भाई एक न्यू एंट्री जो है वो हमारे पास, बाहर निकाल के दिखाता हूँ, मसले वाली बात नहीं है, एक न्यू एंट्री हमारे पास हुई है नजर, आप इसको निकालो तो सही जरा बात। और दूसरी जो न्यू एंट्री भाई हमारे पास हुई है ना, वो हमारे पास तो भाई वो फीमेल है जो रात को हम लोग लेके आए हैं, ये भाई लाइन है ड्वार्फ की फीमेल है हमारे पास, बड़ी प्यारी फीमेल है माशाल्लाह, हाय 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 क्या बात है क्या बात है। और भाई एक दूसरी जो हमारे पास न्यू एंट्री हुई है, हमारे पास नेदरलैंड ड्वार्फ की फीमेल है। तो भाई आप लोग सोच रहे होंगे ये तो पहले भी थी, तो भाई ये पहले वाली नहीं है, पहले वाली फीमेल हमारी जो है वो ये रही, और ये तो नेस्टिंग कर रही है। तो भाई अच्छा मैं एक और चीज़ बताता हूँ, जब नेस्टिंग फीमेल्स करती हैं तो भाई ये कंडीशन होती है, उसने देखे मुँह में प्राली पकड़ी हुई और बैठी हुई, इसका कि प्राली तो डालो, ये पकड़ो मैं डालता हूँ, प्राली पड़ी कहाँ पे, प्राली है ये इधर, टाइम से देख लिया तो भाई अभी देखना जरा, मैं प्राली डालता हूँ इसके आगे और ये अभी इकट्ठी करना शुरू कर देंगे, अभी थोड़ी देर में करेगी, खैर उसने मुँह में पकड़ी हुई है तो इसका मतलब है उसने नेस्टिंग करनी, ज़्यादा रख देते हैं ताकि उसको ना, वो पकड़ ली उसने मेरे ख्याल, सही हो गया। और भाई साहब हमारे पास जो न्यू एंट्रीज रही है वो एक है हमारे पास ये लाइन है ड्वार्फ की, ये ब्रीडर फीमेल, ये ब्रीडर है भाई सबके सब, ये है एक फीमेल और थोड़ा पीछे कर मेरा फ्रेम बन जाएगा, और एक आई है भाई हमारे पास ये नेदरलैंड ड्वार्फ की, ओ बड़ी सारा भाई ये, तो भाई एक आई है हमारे पास ये नेदरलैंड ड्वार्फ की ब्रीडर फीमेल और एक ये लाइन है ड्वार्फ की ब्रीडर फीमेल, भाई ये दो दो हमारे पास न्यू एंट्रीज हो गई है। ये हमारा मिनी सेटअप वालों की दुआओं से जो है बढ़ रहा है माशाल्लाह से, फल फूल रहा है, आप लोग बहुत सारी दुआएं करिएगा मजीद भी, वो देखो उसे नेस्टिंग करनी स्टार्ट कर दी है। तो भाई इस तरह से ये नेस्टिंग करती रहती हैं, अभी ये उठाएगी प्राली और उठा के सारी के अंदर ले जाना शुरू कर देगी, ये हमारी वो फीमेल है जो पुरानी वाली है, सही हो गया ना। अच्छा तो इसकी जगह यहाँ पर सेट कर दी है, ठीक है मेल कहाँ है, अच्छा मेल ये मेल की, हमारा वॉट आउट का मेल जो है वो यहाँ पर आ गया, सही है जबरदस्त, इसके बाल उतरे पे वैसे यहाँ से। इसने ब्रीड भी किया वो कह रहा है फर्स्ट ये होगा ब्रीड, तो भाई बड़ी प्यारी सी क्यूट सी फीमेल है भाई, ये कलर बेसिकली मुझे नहीं हर बंदे को ये पसंद होता है, बहुत प्यारा भाई सेबल कलर हमारे पास हॉलैंड लूप में तो था बट इसमें नहीं था, लाइन एड डॉर में भर भी हमारे पास लाइन एड में गोल्डन थे और गोल्डन वाइट थे, वाइट ब्लू इससे, खैर ये वाला कलर हमारे पास जो है वो लाइन हेड में भी हमारे पास आ गया, बड़ी प्यारी मासूम सी है, तो हम कहते तंग करती है कुछ भी नहीं, ये थोड़ी सी है ये माशाल्लाह, तो भाई कितने क्यूट होते हैं ये, रख दो इसको रखते
इसकी जगह ऊपर बनानी है कि इसकी जगह ऊपर बनानी है? उसकी जगह, क्योंकि वो बच्चे देने हैं, ये उसको मारेगी, ये बड़ी वाली। ठीक है ओके। वो मुझे थोड़ी सी शैतान लगती है। और उसका पाँव आ गया, पाँव आ गया। अच्छा बॉक्स भी रख दे इसके आगे। तो भाई साहब फीमेल्स हमारी जो हैं वो सब की सब अपनी जगहों पे मैंने रख दी हैं, और इस फीमेल ने देखो भाई नेस्टिंग प्रॉपरली स्टार्ट कर दी है हमारी इस फीमेल ने। और भाई साहब यार ये फीमेल छिंके मारी है वाली। हाँ भी लगी है। इसको दवाई नहीं दी अभी भी छिंके मारी है। इसको दवाई कौन सी देनी है पता? ये नहीं, ये है। तो भाई आप लोगों को भी बता देता हूँ, जब भी आपका रैबिट छिंके मारा हो तो आप लोग इसको ये वाली मेडिसिन दे सकते हो। ये पकड़, पता है देनी कितनी है? 0.2 देनी है। सही निकालो जरा भाई, 10 पॉइंट है ना इसके, 0.2 देनी, 0.3 दे देंगे, मसला नहीं है। असल में ये पर केजी 0.2 होता है। पट्ठे नहीं डाले अभी तक? पट्ठे डाले वो इस तरह के पट्ठे नहीं थे इसको? मैंने भी डाले, सब भी डाले। ओके ओके ओके, डालो फिर पट्ठे, फटाफट करो पट्ठे डालो और फिर करते। आ जाना भी है भाई, आ जाना है, जरा एक काम जाना है, बताता हूँ कहाँ जाना है। देखिए हमारी फीमेल ने प्रॉपर अपनी नेस्टिंग स्टार्ट कर दी और फिर भाग गई अंदर। वो देखिए उसने किस तरह से मुंह में पकड़ी हुई प्राली। तो भाई ये तरीका होता है बस, इस तरीके से फीमेल अभी वो देखो किस तरह से पकड़ी हुई। तो पहला क्लच इसने जो है वो ख़राब कर दिया था, और दूसरा क्लच जो है वो भी यकीन है कि इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो बेहतरीन कर देगी। पट्ठे वट्ठे डल गए सबके सब जो है, वो पट्ठे खा रहे हैं, थोड़ा लेट हो गए। खैर ये कि भाई आज जाना है हम लोगों ने, ऑस्ट्रेलियन पड़े हुए हैं ना, वो तो लेके जाने। तो भाई हमारे पास ऑस्ट्रेलियन तोते पड़े हुए हैं वाइट रेड आइज में, वो बस ब्रीडिंग ही नहीं कर रहे हैं। अब उसका मेल जो हम चेंज करने की सोच रहे हैं, रेड राइस पड़े हुए हैं ठीक है, रेड राइस तोते हमारे पास पड़े हुए हैं। तो भाई ये वैसे ही बोल रहा हूँ, खैर इसके पीछे एक लॉजिक है। तो भाई रेड राइस तोते हमारे पास पड़े हुए हैं, वो हम लोगों ने लेके जाने हैं। उसका उनका मेल जो है ना, उनका मेल चेंज करके लेके आना है, वो मेल चेंज करना है, और ताकि फिर शायद अंडे आ जाए हमारे पास। तो भाई तकरीबन एक साल से ज्यादा हो गया वो पड़े हुए, ऐसे ही पड़े हुए बस सोच रहे हैं। तो भाई अभी हम लोगों ने रेड राइस मेल लेके जाना है, और रेड राइस मेल एक्सचेंज करके लाना है मार्केट से। तो बस अभी जाना है, अभी तो मार्केट भी नहीं खुली, 11 भी नहीं बजे, 12 बजे मार्केट खुलेगी। तो फिर 12 बजे निकलेंगे और फिर उसको चेंज करवा के लाते हैं, क्या कैसा मिलता है वो देखते हैं, फिर रेड राइस नहीं होएगा। तो भाई साहब ये रहा भाई हमारा केज बर्ड्स वाला। तो भाई हम लोगों ने वैसे ही रखे हुए थे नीचे अपने घर पर, ये भाई हमारे रेड आइज तोते हैं। तो भाई इसका मेल जो है वो चेंज करना है, बहुत टाइम हो गया, तकरीबन एक साल से ज़्यादा, शायद 1.5 साल होने वाला है के ना। वो ये अंडे ही नहीं दे रहे हैं यार, पहले भी जब लाया था तब भी ये ब्रीडर ही थे, और अभी तकरीबन पिछली गर्मियों में लाया था, वो गर्मियाँ भी गुजर गई, सर्दियाँ भी, अगली भी आ गई भाई, तकरीबन 1.5 साल होने वाला है ठीक है। और भाई अब एक काम और ये करना है कि भाई हमारी ये जो मुर्गियाँ हैं ना, ये वाली मुर्गियाँ, तो भाई इन लोगों ने एक नया काम स्टार्ट कर दिया। इन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया कि भाई अंडे देती हैं और खुद ही खा जाती हैं। खुद देखा बहुत दफ़ा भाई, हमारे सामने सामने तोड़ देती हैं, और जब हम सामने नहीं होते होंगे तो फिर पता नहीं कि अब ये 5 हैं, कभी एक अंडा होता है, कभी 2 होते हैं, तो वो कभी होता ही नहीं है उससे। हालांकि तकरीबन 1-1.5 हफ्ता पहले क्या था कि रोज़ाना डेली बेसिस पे 2-3-4 अंडे आ रहे होते थे, और अभी सीन ये है कि इसके अंदर कोई अंडा ही नहीं होता ठीक है। तो मैंने एक दफ़ा देखा, मेरे फादर ने देखा, तो भाई इनको मैं खोल भी देता हूँ, अभी ये हो रही होंगी भूखी। तो इन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, अभी अंडे खाना शुरू कर दिए। आ जाओ भाई बाहर आ जाओ सब लोग। तो भाई ये रोज़ाना दरवाज़ा बंद हो गया, आ जाओ भाई। तो भाई मैं छोटे छोटे लाया था, इतने बड़े बड़े हो गए, सही है। तो भाई अब इनका हल मैंने ये निकालना है कि इस ये जो मेल है ना, इसका मेल चेंज कर देते हैं। खैर फिर अगर फिर भी बच्चे नहीं देगी तो फिर फीमेल भी चेंज कर देंगे, फिर ही नया हो जाएगा। और सीन ये है कि भाई इसके अंदर हम लोगों ने लिख के आने अंडे ठीक है। एक भाई हमारे पास जो आर्टिफिशियल जो है ना, वो एग होते हैं प्लास्टिक के बने हुए अंडे, नीचे हम लोगों ने यहाँ बूरा डाला हुआ है, तो यहाँ पर इतना गनमन नहीं होता है इनका। तो भाई जो प्लास्टिक के अंडे होते हैं, प्लास्टिक के अंडे ला के इनके केज में फेंक देंगे ठीक है। तो फिर भाई उनसे लड़ती रहेंगे, वो नहीं टूटेंगे, और ये फिर आधी हो जाएंगे कि भाई ये अंडे नहीं टूटते ठीक है। तो फिर जब ये अपना अंडा देंगी ना, तो उस अंडे को भी ये नहीं तोड़ेंगी। और ये कि मेल है, इस मेल को भी लेके जाना है, इसको पकड़ लेते अंदर के अंडे मंडे तो नहीं दिए हुए। ओए अरे हाय 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 हाय। तो भाई इसने एक अंडा दिया हुआ है अंदर, भाई ये कब दे दिया भाई? ये तो चमत्कार हो गया भाई, ये मेरे साथ आज से नहीं हो रहा, ये बहुत टाइम से हो रहा है। भाई मैं आपको अंडा दिखाता हूँ, एक और चीज़ बताता हूँ, भाई बहुत टाइम से हो क्या रहा है। भाई अंडा कहाँ है अभी, यहाँ कैमरे में दिखेगा ही नहीं। रुको ज़रा मैं कोई सेटिंग बनाता हूँ। भाई इसने एक अंडा अंदर अंडा दिया हुआ है, ज़रा भाई यहाँ से अंदर घुसाते हैं कैमरा हम लोग। और आ भाई अंडा दिख गया, मैं दिख गया। अरे माशाल्लाह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है।
तो भाई साहब ये हमेशा होता हुआ आ रहा है। मैं कोई चीज़ हमारे पास अगर वो ब्रीड नहीं करी होती ना, जब उसको बेचने का इरादा बनाया, वो चीज़ ब्रीड कर देती है। तो ये तो भाई अभी तो ये तंग हो गया होगा, तो मतलब मैंने तो उसका काम ख़राब कर दिया। तो भाई ये बड़े नाजुक होते हैं, पहले हमारे घर में भाई बहुत ज़्यादा होते थे ये वाला केज जो है ना, ये भरा हुआ होता था, फुल भरा हुआ होता था। ये देखो ये कुछ अभी भी लगे हुए हैं अंदर, ये अभी तो अंदर गनमन भरा हुआ है। ये देखो एक ये लगा हुआ है, वहाँ सामने भी होते थे, यहाँ पे भी ये देखो ये कुछ अभी तक कुछ कई तो हमने उतार दिए यहाँ पर भी। मतलब ये केज बनाया हम लोगों ने बर्ड्स के लिए था, और इसके अंदर बहुत सारे बर्ड्स होते थे, कॉकटेल थे, लव बर्ड थे, और ये वाले तो बहुत सारे थे भाई, ये तो बेतहाशा थे। तो फिर हम लोगों ने उसके बाद ख़त्म कर दिए, सब बेच दिए थे, और फिर ये भी दोबारा एक पे ले आया था। अभी अंडे ही नहीं दे रहा था, मैंने सोचा कि भाई इसका मेल, अक्सर उकार मेल में मसला होता है इनमें अनफर्टिलिटी का, मैं कहा चलो मेल फर्टाइल नहीं होगा, तो मैं कहा चलो इसको चेंज कर देते हैं, जाके मार्केट में ले जाओ, वो 100-200 रुपये लेते हैं, मेल दूसरा दे देते हैं। तो मैं कह चले ट्राई करते हैं। तो फिर अभी तो भाई इसने अंडा मंडा दे दिया, इसको रख देता हूँ मैं अंदर जाके, भाई बेसिकली ये मेरी मदर ने रखा हुआ है, तो भाई इसके लिए तो अंडे तो ले आते हैं, ठीक है, मदर को मैं दे देता हूँ खुशखबरी कि भाई आपकी फीमेल ने अंडे दे दिए। और इनके लिए मैं जाता हूँ पहले मार्केट, और जाके इनके लिए अंडे ले आते हैं प्लास्टिक के आर्टिफिशियल, ताकि फिर भाई ये अपने अंडे ना खाएं ना भाई। देखो ना देसी अंडों के लिए रखी हुई है, ताकि देसी अंडे हमें मिलते रहें, और वो देसी अंडे ये खुद ही खाएं। मार्केट हम लोग जो है वो आगे, और बाइक हमने लगा दी भाई, सर्दी का आलम ये है कि हाथ अभी सीधे नहीं हो रहे, हाथों की कंडीशन देख रहे भाई। ठीक है आ जाओ भाई। तो भाई जो चीज़ हमें चाहिए वो मार्केट में हमें बिल्कुल एग्जैक्ट सामने दिख गई है, वो इसी तरह के अंडे हमें चाहिए थे। आ जाओ भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या वो अंडे चाहिए, ये जो ऊपर पड़े, हाँ कितने का है ये? 4 दे दो यार, 100 रुपये के दे दो। तो भाई साहब ये वाले एग चाहिए थे हमें, मुर्गियाँ अंडे तोड़ देंगे इसलिए रखने, चल जाएंगे बेहतरीन। ओके निकाल दो बस। तो भाई साहब 4 अंडे जो है वो हम लोगों ने ले लिए हैं, 4 काफ़ी थे, ठीक है। तो बस अभी ये के घर जाके ना ये रखते हैं केज के अंदर, और बस अभी निकलने लगे अंडे जो है हमारे आगे, ठीक है भाई, हमारे प्लास्टिक के अंडे। तो भाई अभी इनको डालते हैं मुर्गियों का, ताकि भाई ये फिर अंडे ना तोड़े। अभी मैं आपको थोड़ा सा ना इनका ट्रेलर दिखाता हूँ कि ये तोड़ती कैसे हैं, सही है ना। शायद ये तो मैं शायद अंडे अंदर डालूँ, क्योंकि भाई मेरे सामने इन्होंने अंडा तोड़ा है, तो अभी अंदर डाल के देखते हैं शायद ये तोड़े फिर दोबारा से। हेलो भाई कैसे हो? चलो भाई। तो भाई साहब अभी तो ये चढ़ गई है ऊपर, इनको पहले ना मैं नीचे उतार देता हूँ, ताकि ना भाई मैं दिखाता हूँ। हाँ जी भाई क्या मसला है? ज़रा ये आ गए हमारे अंडे। तो भाई 4 अंडे मैं ले आया हूँ, 4 काफ़ी होंगे ना, क्योंकि इतना बड़ा खाना तो नहीं है। इसको ना एक एक करके रखते हैं भाई पहले अंदर, क्या चेक करना ज़रा। अभी इनको देखा नहीं है, असल में ना अंधेरा हो गया बाहर, अभी ये वाला कंडीशन हो गई भाई मौसम की, तो अभी अंधेरा हो गया, इनको दिखा नहीं है। एक रख देते यहाँ पे डाल देते हैं, और 2 और पकड़े, वो देखो अभी इसने मारा उसको, अभी आप देखना ज़रा, यहाँ रखा था मेरे और अंडा वहाँ चला गया, सही हो गया। ये वाला ही फेंक देते हैं, और इसको इधर फेंक देते, क्योंकि भाई ये अक्सर ना यहाँ पे कॉर्नर पे अंडा देती हैं, यहाँ पर या फिर वो उस कॉर्नर में अंडा देती हैं, ये तो इनको कॉर्नर में फेंक देते हैं, ताकि ना चलो 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 उधर जाओ। शाबाश। तो भाई अभी ये एक इसको अंदर रख दिया, ये चेक करें जरा, यही तोड़ती है, एक ये वाली मुर्गी तोड़ती है, और एक वो जो रेड मुर्गी की इस तरफ है वो वाली तोड़ती है। अभी असल में ना ये लाइट लग गई है ना, इस वजह से थोड़ी सी वो कर रही है, वरना अभी इसने चोंच मारी है, मैंने खुद देखा इसको। भाई क्या होगा कि ये इनको ना तोड़ती रहेंगी, और तोड़ तोड़ के ना ये थक जाएंगी, ठीक है, मीन इनको पता चल जाएगा अंडा नहीं टूटेगा। तो जब अंडे अंदर आ जाएंगे ना, दूसरे वाले अंडे, मीन्स जो इनके ओरिजिनल वाले अंडे होंगे, वो अंडे जिस टाइम आएंगे, तो फिर मीन्स के वो इन अंडों को, मतलब इनकी आदत ही नहीं होगी उनको चोंच मारने, क्योंकि इसको चोंच मारती रहेंगी, ये टूटेगा नहीं, और फिर जब उसकी बारी आएगी तो फिर वो भी नहीं टूट, मतलब उसको मारेंगे ही नहीं ना, बात खत्म हो जाएगी, सही है। तो भाई हमारा डे को डिपेंड करते हैं, वीडियो को डिपेंड करते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।